स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रस। हम बताएंगे इस वीडियो में पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बताएंगे पांच इम्पॉर्टेंट रस, बस इसी को तैयार कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रस है सिंगार रस। उसमें लिखना है, सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वह सिंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस रस के दो भेद होते हैं, संयोग और विनियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और विप्रम से भी कहते हैं। इस रस के दो भेद होते हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन से दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं संयोग और विनियोग। तो हम पहले संयोग देखेंगे। संयोग सिंगार हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे, संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति को संयोग सिंगार कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंदव्यार। ये हमारा संयोग सिंगार का उदाहरण है। विनियोग सिंगार देख लेते हैं। विनियोग सिंगार आपको हेडिंग डालना, उसमें लिखना है, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है वहाँ विनियोग सिंगार होता है। ये हमारा विनियोग सिंगार का परिभाषा है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मेरे प्यारे नव जलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मघुवन से ऑन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख का था श्याम को तू सुना दे। ये हमारा हो गया है उदाहरण। और हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रस क्या है। ठीक है, हमारा दूसरा रस है हास्य रस। ठीक है, उसमें लिखना है, हास्य रस की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। अपने अथवा पराय परिधन वचन या क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये हमारा हास्य रस है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैं बहुत शॉर्ट करके आपको जल्दी से दिखाने के प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, इसका उदाहरण है, माता ही पिता ही उरीन भये नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ये हास्य रस का उदाहरण है। आगे का नेक्स्ट देखते हैं हम। आगे का नेक्स्ट है यानी कि हमारा थर्ड है करुण रस। इसको देख लेते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण है, श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की यह दशा करुण रस की निष्पत्ति करती है। यहाँ पे आप लोग डबल इलिमिनेटेड कामा में इसको बंद कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बंद किया है। ठीक है, मणि खयो भुजंग सी जननी, फटसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हमारा करुण रस का उदाहरण हो गया है। इसको जरूर से आप लोग यूनाइटेड कामों में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे का नेक्स्ट है वीर रस। इसमें आपको लिखना है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। ये बहुत ही शॉर्ट है वीर रस। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आए होंगे यदि भरत कुमति वस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा शरण में, प्रतिशोध आपका भी ना सुनूंगा रण में। ठीक है, तो ये हमारा वीर रस का उदाहरण था। आगे का हमारा नेक्स्ट रस है यानी कि लास्ट रस, पांचवा है ये। ठीक है, अद्भुत रस है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नामा। यहाँ पे हमारा पांच रस कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रस है। यदि आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड में अपने अंक प्राप्त कर सकेंगे। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।